अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आशीष क्रिएटिव लर्निंग। लेक्चर नंबर 1 के पार्ट 1 एंड 2 में हमने अलजब्रा स्टार्ट किया था और अलजब्रा को हमने स्टडी किया था। कुछ टर्म्स थे अलजब्रा की, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि हमने क्या स्टडी किया था। उसमें हमने अलजब्रा को डिफ़ाइन किया था, एक्सप्रेशन को डिफ़ाइन किया था और इक्वेशन को हमने स्टडी किया था। देन हमने कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट किया था। पार्ट 2 में हमने कोफिशिएंट को डिस्कस किया था कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। पार्ट 3 में हम टर्म को डिफाइन करेंगे। टर्म जो है, ये वर्ड बहुत यूज़ होता है मैथ्स में। अब हम देखेंगे कि अलजब्रा में टर्म को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। टर्म का मतलब होता है एक पार्ट, लेकिन अलजब्रा में हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं। इन अलजब्रा टर्म इज़ अ सिंगल नंबर और वेरिएबल और नंबर्स एंड वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड टुगेदर। अलजब्रा में हम टर्म को किस तरह से डिफाइन करते हैं कि सिंगल नंबर भी हमारे पास एक टर्म है और वेरिएबल भी हमारे पास एक टर्म है, या फिर दोनों की मल्टीप्लिकेशन, एक नंबर और वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास किसको डिफाइन करती है, एक टर्म को। एग्जांपल्स के थ्रू हम अपनी डेफिनेशन को वेरीफाई करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लेट्स टेक सम एक्सप्रेशंस। हम एक्सप्रेशंस लेते हैं कुछ और वहाँ से हम टर्म को डिफाइन करेंगे। यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन लिया 3x, एक नंबर है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने डेफिनेशन में अभी पढ़ा है, उसे हम एक टर्म कहते हैं। दिस इज़ वन टर्म, नॉट टू टर्म्स। 3 क्या है, यहाँ पर जो भी नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। ये हमने पार्ट 2 में स्टडी किया था, लेक्चर 1 के पार्ट 2 में। और x क्या है, वेरिएबल डिपेंडेंट क्वान्टिटी है, ये चेंज हो सकती है। कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू हम टर्म को वेरीफाई करते हैं। 4 इज़ अ सिंगल नंबर और हमने डेफिनेशन में कहा था कि जो सिंगल नंबर होता है वो एक टर्म को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज़ अ वन टर्म एक्स इज़ वेरिएबल और सिंगल वेरिएबल भी एक टर्म को डिफाइन करता है, एक्स इज़ वन टर्म। एक इम्पॉर्टेंट नोट है टर्म के कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, और वो क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेपरेट द टर्म्स वाइल मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन डू नॉट। अगर हमसे MCQs में पूछा जाए एक एक्सप्रेशन देकर के इसमें कितनी टर्म्स है, तो ये नोट उसमें हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें क्या कहा जा रहा है, हम एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई करते हैं कि इस नोट का क्या मतलब है। इस नोट का मतलब ये है, 4+x हमने एक एक्सप्रेशन ले लिया, 4+x हमने बताना है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। अभी हमने क्या कहा नोट में कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो साइन है वो टर्म्स को सेपरेट करते हैं। 4 एडिशन के साइन से पहले हमारे पास ये एक टर्म है, एडिशन का साइन आ गया, इसने टर्म्स को सेपरेट कर दिया, देन सेकंड टर्म स्टार्ट हो गई 4+x। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स। एक और एक्सप्रेशन लेकर चेक करते हैं, 4+x - y, हमने बताना है इसमें कितनी टर्म्स हैं। एडिशन के साइन से पहले 1 टर्म, एडिशन का साइन आ गया, इसने टर्म्स को सेपरेट कर दिया, देन सेकंड टर्म स्टार्ट, नेक्स्ट साइन सब्ट्रैक्शन, और इसने टर्म्स को सेपरेट कर दिया, और फिर हमारे पास थर्ड टर्म स्टार्ट हो गई। इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है, 1, 2, and 3 टर्म्स। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात तो हो गई, अब हमने किसको वेरीफाई करना है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। 4 over x, 4 over x क्या है, डिवीजन है। हमने क्या कहा था कि जो डिवीजन है वो टर्म्स को सेपरेट नहीं करती। अब ये 4 over x हमारे पास 1 टर्म कहलाएगी। इसी तरह 9x क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन भी टर्म्स को सेपरेट नहीं करती, दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास 1 टर्म होगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2xy + 4x - z - 9, यहाँ पर भी हमने क्या कहा था कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो टर्म्स को सेपरेट नहीं करती। यहाँ पर आपने ये नहीं करना 2 इज़ अ टर्म, x इज़ सेकेंड टर्म, y इज़ थर्ड टर्म, 1, 2, 3 इसमें 3 टर्म्स है, नो, दिस इज़ 1 टर्म। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो मल्टीप्लीकेशन है वो सेपरेट नहीं करती टर्म्स को जब तक कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं आ जाता। 2xy इज़ अ सिंगल टर्म, प्लस का साइन आ गया, फर्स्ट टर्म कम्प्लीट हुई, 4x इज़ अ सेकेंड टर्म, देन सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया, सेकेंड टर्म कम्प्लीट हुई, इसी तरह से नेक्स्ट, z इज़ अ थर्ड टर्म, सब्ट्रैक्शन साइन आ गया, 9 इज़ अ फोर्थ टर्म। 1, 2, 3, 4 इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट
पार्ट फोर में इंशाल्लाह हम टर्म्स की टाइप्स को स्टडी करेंगे और हम ये चेक करेंगे कि हम किस तरह से उन टाइप्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव नोटिफिकेशन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़. टेक केयर एवरी वन. अल्लाह हाफिज़.